हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीकैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। जो मार्च 2023 बैच का सीकैट का एग्जाम हुआ था, तो नीता ने स्कोर किया है 400 समथिंग रैंक, वो बताएगी अभी इंटरव्यूज के। तो आप लोग उनकी स्ट्रैटेजी जानिए कि कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया था और क्या प्रिपरेशन किया था स्ट्रैटेजी सेक्शन ए सेक्शन बी के लिए, तो उनसे जानते हैं। नीता, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। थैंक यू सर। मेरा नाम नीता बारड़ है। मैंने अपना ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में किया है गवर्नमेंट कॉलेज अवसरी पुणे से। मैं अभी हाल ही में 2022 में ग्रेजुएट हुई हूँ। मेरा फेब्रवरी 28 मॉर्निंग का स्लॉट था और मुझे A+B में 481 रैंक आई है और सेक्शन ए में मेरी रैंक 712 थी। ओके ओके ओके। तो अभी मुझे ये बता दो कि सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे आगे चल के, तो सबसे पहले ये बता दो कि क्या माइंडसेट था कि यार सीडैक करना है, कहाँ से पता चला था, इसके बारे में कुछ बता सकती हो तो। सबसे पहले तो जब मुझे मतलब मेरे कॉलेज के बहुत सारे सीनियर्स ने सीडैक करा था तो उनको जॉब वगैरह लगी थी, तो उन्होंने मैंने उनको ऐसे ही पूछा था कि कैसे वगैरह जॉब लगी है, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि सीडैक वगैरह क्या है। तो फिर जब मेरी मेरी दीदी बैंक में जॉब करती है तो उन्होंने मुझे बोला था कि सीडैक करते हैं वगैरह, तो तब फिर मैंने मतलब दिया था। मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद भी मैंने एक अटेम्प्ट दिया था जिसमें मैंने विदाउट प्रिपरेशन करके मैं गई थी, तो मेरा कुछ 8,000 रैंक आया था समथिंग। तो फिर मैंने सोचा कि ये मेरे बस का ही नहीं है, तो फिर मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन वगैरह वो सब चालू कर दिया था। फिर बाद में फिर से मेरी दीदी ने बोला कि अपन फिर से देखते हैं, पढ़ाई करके देखे इस टाइम। तो फिर मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाई वगैरह प्रिपरेशन करके दिया फिर मैंने। ओके ओके। तो अच्छी अच्छी बात है, बढ़िया। तो अभी हम लोग गाइस, तो आपने इंट्रोडक्शन तो सुन लिया, तो आपका आईटी था नॉन आईटी था, कौन सा मेरा ब्रांच? सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच था, नॉन आईटी। ओके ओके ओके। तो गाइस देखिए, नॉन आईटी का होकर भी अच्छा रैंक आया है नीता का। तो अभी बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले तो सेक्शन ए से बात करेंगे कि सेक्शन ए का क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था। जैसे तुमने बताया कि तुम्हारा बैंकिंग का बैकग्राउंड था, राइट? हाँ तो तुम्हारे लिए सेक्शन ए तो मतलब इजी रहा होगा मेरे ख्याल से, राइट? हाँ तो इजी पहले, था। हाँ, तो पहले सेक्शन ए में हम लोग ओवरऑल डिफिकल्टी तुमको कैसे लगी पेपर की? मतलब अगर कोई बंदा दे रहा है एग्जाम सेक्शन ए का, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कैसे थी, कि कितने दिन में हो जाएगा, या फिर ओवरऑल डिफिकल्टी इजी मॉडरेट के साथ आपको कैसा फील हो? मेरे हिसाब से जो जब मैंने पेपर देखा तो मुझे ऐसा लगा था कि क्वेश्चन अटेम्प्टेबल है। मतलब क्वेश्चन का लेवल मुझे मॉडरेट लगा था, जबकि मतलब इंग्लिश के थोड़े ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे कंफ्यूजन था इसलिए मैंने सॉल्व नहीं करे। बट सेक्शन बी के हालांकि मतलब 90% क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसका आंसर मुझे आता था, बट वही थोड़ा बहुत इधर उधर का थोड़ा एरर, मतलब थोड़ा अपन टेंशन में रहते पेपर में तो वो मिस्टेक वगैरह हो जाती है। तो बाकी मुझे देख के लगा कि हाँ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे तो उसका आंसर इजिली निकाला जा सकता था। अच्छा, ओके। तो सबसे पहले उसमें बात करेंगे इंग्लिश का। जैसे तुमने बोला इंग्लिश का थोड़ा सा डिफिकल्ट हाँ लेवल था, तो कहाँ से मतलब कैसे प्रिपेयर किया था, क्या स्ट्रेटेजी थी, कोई यूट्यूब चैनल यूज किया था पर्टिकुलरली इंग्लिश के लिए? कैसे, पहले इंग्लिश की बात करेंगे, फिर एप्टी लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे। ओके, तो इंग्लिश के बारे में बता दो कि क्या मतलब पर्टिकुलरली क्या प्रिपेयर किया था तुमने। मेरा तो जैसे कि मतलब मेरा ना थोड़ा सा इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो मेरा पहले से इंग्लिश में थोड़ा मतलब मेरा प्रिपरेशन था। मतलब पहले से मैं इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे वगैरह देखती थी ग्रामर वगैरह, और जैसे कि बैंकिंग में भी इंग्लिश होता है तो मैं वो अड्डा 24/7 का जो मतलब चैनल है उनका, उनके चैनल पे वो लाइव क्लासेस चलते थे इंग्लिश के, तो मैं वहां से मतलब हमेशा जो लाइव क्लासेस थी वो अटेंड वगैरह करती थी। तो मेरा इंग्लिश थोड़ा बहुत मतलब हो गया था प्रिपरेशन इंग्लिश का। तब जब मैंने सीकैट के लिए प्रिपरेशन चालू करी तो मुझे मतलब पता था कि सीकैट की इतनी लेवल मतलब बैंकिंग की इतनी हाई नहीं होती है, तो फिर मैंने इंग्लिश पे इतना ध्यान ही नहीं दिया। जब मैंने जब एंड के कुछ 1 महीना बचा था तब मैंने वो RS अग्रवाल की इंग्लिश की PDF मेरे पास थी सनबीम की, तो मैंने वहीं से जो उनका था बेसिक्स वगैरह सिनोनिम्स वगैरह वो सब पढ़ लिया था, और बाकी जो पैराग्राफ्स वगैरह थे वो मैंने गूगल से जो सब बोलते हैं इंडिया बिग से मैंने वो मतलब रेगुलरली फिर 1 महीना के लिए मैंने वो ही प्रैक्टिस किया। और हाँ यूट्यूब पे भी मैंने अगर मुझे जैसे कि बोलते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से इंग्लिश में क्वेश्चन आता ही है, तो मैंने वो भी मतलब फिर से एक बार यूट्यूब से रिवाइज करके वो भी फिर मैंने मतलब कर लिया था ताकि मतलब अगर क्वेश्चन आए तो वो छूट ना जाए। ओके ओके ओके। और और मेरा इंग्लिश के लिए यही रहता है कि मैं जब भी पैराग्राफ अटेंड करती हूँ तो मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे भी ये हुआ था कि पैराग्राफ का क्वेश्चन मतलब आते थे बट दो दो तीन तीन क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता था, तो मतलब वो रिस्की था कि 50-50 लेना है या नहीं लेना है, तो मैं उसको यूजुअली एंड में करती हूँ ताकि क्या होता है कि टाइम अपना मतलब वेस्ट नहीं हुए।
राइट राइट एग्जैक्टली। और अगर तुमने मेरे वीडियोस भी देखे हो, मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ, क्योंकि सेक्शन ही इज ऑल अबाउट टाइमिंग। क्योंकि अगर किसी को हाँ अगर 1.5 घंटा 2 घंटा दे दे तो दे विल क्लियर एग्जाम एवरीबडी, क्योंकि भाई, टाइम मिल जाता है तो वो हो जाता है। लेकिन 1 आवर में तुमको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना, वो डिफिकल्ट चीज है। सो और आई ऑलवेज थिंक, हाँ वहां पे हाँ टाइम भी नहीं दिखाते हैं कि कितना टाइम बचा है, तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट वो पूरा करना ही पड़ता है। राइट राइट एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं भी वही बोलता हूँ कि तुम 40 मिनट्स में पेपर सॉल्व कर लो और पैराग्राफ को छोड़ लो, मतलब 50 मिनट में सॉल्व कर लो, क्योंकि पैराग्राफ टाइम ले लेता है बहुत। एक हाँ, बार कभी पढ़ कभी लो, डिपेंड करता है। एक बार पढ़ लो, अगर समझता है तो पैराग्राफ को सॉल्व करो, अगर नहीं समझता है तो छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे और इजी हाँ, क्वेश्चन वही रहेंगे। वही होता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में मतलब पैराग्राफ अटेंड किया और पढ़ा तो समझ में नहीं आया, तो अपन थोड़ा ये गड़बड़ा जाते हैं कि अरे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहले ही एग्जैक्टली स्टार्टिंग में ही कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो राइट इसीलिए राइट फिर मेरा मानना है कि तो एंड में करे तो अच्छा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके। तो ओके, तुमने ये तो बता दिया। कहा एमसीक्यू वगैरह कोई वेबसाइट से सॉल्व किया था इंग्लिश के लिए? हाँ, मैंने जैसे कि सभी बोलते हैं कि इंडिया बिक्स से मतलब क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरे हिसाब से जब मैंने मतलब आने के बाद जब मैंने वो सब क्वेश्चंस लिख के लाई थी, तो मैंने सर्च किया मतलब गूगल पे, तो मैंने देखा कि वो तो इंडिया बिक्स और टॉपर से ही मतलब सारे क्वेश्चंस उठाए थे उन्होंने। अच्छा ओके। तो एग्जैक्टली अगर सॉल्व कर प्रिपेयर कर रहे हो इंग्लिश का, तो हाँ मैक्सिमम हाँ इंडिया तो बिक्स और हाँ, इंडिया टॉपर से। बिक्स, हाँ, तो दोनों से अगर पूरा कर लिया तो पूरा मतलब अच्छी रैंक आ जाएंगी मतलब ओके सेक्शन ए ओके में। ओके। तो अब ये एप्टी की बात करते, सेम क्वेश्चन के एप्टी का क्या प्रिपरेशन था, कहाँ से किया था, कितना प्रैक्टिस किया था यूजुअली, इसके बारे में हाँ, बताओ तो थोड़ा। जैसे जैसे कि मैंने बोला था कि मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन करी थी, तो मैं यूजुअली अड्डा अड्डा 24/7 का वो जो उनका एक जीरो टू हीरो करके एक प्लेलिस्ट है मैथ्स की, वो मैंने करी थी। तो बहुत सारे बच्चे यही करते हैं सेक्शन ए में, क्लॉक, कैलेंडर, ट्रेन, स्पोर्ट्स स्ट्रीम, ऐसे जो टॉपिक होते हैं ना हार्ड हार्ड, ये क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मुझे भी मतलब थोड़ा मतलब हार्ड जाता था, तो मैंने भी बहुत सारे एग्जाम में ये नहीं करके गई थी। बट मेरा मानना था कि अगर इसमें स्कोर करना है तो कोई भी टॉपिक छोड़ना ही नहीं है। तो फिर मैंने मतलब मेरे फ्रेंड को भी मैंने बोला था कि क्लॉक और कैलेंडर तो उससे तो क्वेश्चन आना ही है, चांसेस ही है, तो मैं करके गई थी और उसमें क्वेश्चन आ ही गया। तो वही था कि पार्टनरशिप, ये जो मतलब ये हाई वेटेज वाले टॉपिक होते हैं, तो इनसे बहुत मैंने देखा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए थे, मतलब कोई ज्यादा ऐसे ट्विस्टेड वगैरह नहीं थे। अगर जिसका कंसेप्ट क्लियर है तो वो कर सकता है, राइट तो राइट इसीलिए एग्जैक्ट। हाँ, वो जीरो टू हीरो की अगर प्लेलिस्ट अगर किसी ने करी है तो मेरा मतलब उसको तो वो क्वेश्चन आने ही वाले थे, मतलब ये जो सीकेट में आए थे। क्योंकि क्या होता है कि वो बैंकिंग वाले वो आपको हार्ड लेवल वाला प्रिपेयर कराते हैं। अगर आपको कोई इस लेवल का पढ़ा रहा है और आपने इस लेवल की प्रैक्टिस की है, तो आप इस लेवल के तो कर ही सकते हैं। राइट राइट एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं भी हमेशा वही बोलता हूँ कि एप्टी के जो क्वेश्चंस होते हैं इतने टफ नहीं होते कि तुमको दो तीन फॉर्मूले यूज करने, जस्ट सिंपल पुट ऑन द वन फॉर्मूला एंड आंसर आ जाता है। इस हाँ लेवल के वही, क्वेश्चन होते हैं सीकेट के लिए। अगर सीकेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एप्टी का पूरा ऐसा बैंकिंग लेवल की करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बैंकिंग लेवल या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का अगर एप्टी आपने प्रिपेयर किया है ऑलरेडी, तो इट्स वेरी इजी कि तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीकेट का प्रिपरेशन करने के लिए, सेक्शन ए के लिए पर्टिकुलरली। राइट हाँ, बट मेरा मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मतलब मैं भी अगर मतलब पहले क्या करती थी, शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढती थी और वो याद करती थी। बट वो क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम में भूल जाते हो, बट अगर आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है और आप फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देखते हो, तो आपको इजीली हो जाता है। और वो पेपर में आपको शॉर्ट ट्रिक्स से ही काम करना पड़ता है, क्योंकि वो टाइम भी इतना नहीं होता है कि आपको 30-30, 40-40 सेकंड में एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना होता है। और पेपर में ये भी होता है कि आप कितना मतलब कम पेपर पे लिख के कितना मतलब वो राइटिंग वर्क जितना भी कम करो ना उतना अच्छा है, ताकि आपका राइटिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं हो और पेपर सॉल्व मतलब ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। अच्छा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं, सही स्ट्रैटेजी। तो इसके लिए भी एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व किए थे ज्यादातर एप्टी हाँ, के लिए? मैंने मैंने आरएस अग्रवाल की जो पीडीएफ मेरे पास थी, मैंने उसी से सॉल्व किए थे। फिर बचे हुए जो मेरे पास मतलब बैंकिंग के बुक्स वगैरह थे, फिर मैंने मतलब पहले ही करके रखे थे, फिर बाद में जो 1 महीना बचा था फिर मैंने आरएस अग्रवाल के सॉल्व किए, फिर इंडिया बिग्स, टॉपर और यूट्यूब पे भी जो मिलते थे मैंने वो सब ट्राई करे, ओके मतलब वो ओके करके। ओके ओके। तो एप्टी की तो बात कर ली हमने, अभी लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। तो उसका तो मुझे लगता नहीं कि इतना टफ क्वेश्चंस रहे होंगे, राइट, सीकैट में। नहीं, बट उसमें से मैंने भी ऑब्जर्व किया था कि जो एक क्वेश्चन था कि ये इसका फ्रेंड है उसका फ्रेंड है, वो वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन टॉपर या कोई इंडिया बिग से ही उठाया था उन्होंने। वो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मतलब मैं जब सॉल्व करी थी, बट वो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन ये क्यों पूछेंगे ना, ऐसा मुझे लगा कि थोड़ा राउंड टेबल वाला वगैरह पूछेंगे, तो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था उधर, मैंने किया नहीं था वो क्वेश्चन। बट वो अच्छा क्वेश्चन उन्होंने वही पूछ लिया था क्वेश्चन उधर, तो ओके मुझे ऐसा ओके। लगता है कि हाँ। और तो उसके लिए वो भी आप
ओवरऑल कर अगर सकते हैं। कोई सेक्शन बी का प्रिपरेशन कर रहा है तो इंडिया बिक्स अगर कर ले अच्छे से तो अच्छा इंडिया आता बिक्स और है। टॉपर दोनों, वैसे मैंने टॉपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे थे इस टाइम। अच्छा, ओके ओके। और कोई वेबसाइट वगैरह लॉजिकल रीजनिंग वही मतलब इंडिया बिक्स टॉपर हाँ, ने सॉल्व किया राइट। और वो आर एस अग्रवाल में भी एक, उनका भी एक रीजनिंग का भी पीडीएफ आता है, मतलब स्पेशल बुक है उस, उसमें से मैंने वो राउंड टेबल वाले वो सब एनोलॉजी मतलब वो जो जो आते हैं सब वो वाले करे थे। और फिर बाद में यूट्यूब पे ही सर्च करके लॉजिकल वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्या लॉजिक है उसमें, वो सब चीजें उधर से ओके यूट्यूब से और फिर गूगल से। ओके ओके ओके। तो गाइज आपने सेक्शन ए का स्ट्रेटेजी तो सुन लिया है नीता से, तो तुमने टोटल कितने 50 क्वेश्चन में से तुमने कितने सॉल्व किए थे? मैंने सर लगभग 40 या 43 क्वेश्चन करे होंगे। ओके ओके। एंड मतलब तुम्हें क्या लगता है कि कितने राइट थे तुम्हारे या फिर कितने रॉन्ग थे? मेरे 35 के आसपास, मतलब 35 क्वेश्चन मतलब कंफर्म ही राइट होंगे, बाकी मैंने थोड़े चांसेस लिए थे जिसमें मेरे को लगा कि 70-80% ये आंसर हो सकता है, और उसमें से जो मैंने नहीं करे थे वो मैंने थे पैराग्राफ के मैंने कुछ छोड़ दिए थे क्योंकि उसमें कंफर्मेशन मुझे नहीं था, ओके और ओके वो ओके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी मेरे को थोड़ा कंफर्मेशन नहीं था, तो फिर मैंने वहां पे भी चांसेस नहीं लिए। ओके ओके ओके। तो कितना मतलब तुमको क्या लगता है माइनस मार्किंग का कितना इफेक्ट होता है रैंकिंग पे? जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने बहुत सारा आपके वो ग्रुप पे मैंने वो देखा था, बहुत डिस्कशन हो रहा था कि अगर आपका एक दो भी निगेटिव जाता है तो आपके रैंक में 100-150 का से 100-150 हाँ 100-150 का ये डिफरेंस आता है मतलब रैंक में। तो फिर मैंने वही सोच के माइंडसेट बना के गई थी कि नहीं, इस टाइम निगेटिव करना ही नहीं है, अगर नहीं आता है तो छोड़ देना है। ओके ओके ओके। तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है गाइस कि आप सभी लोग याद रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे ये भी मैसेज आता है कि हमने 40 40 सॉल्व किए हैं, हमारा रैंक 5000 आया है, तो ऑब्वियस है कि उनका नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हुआ है, तो चांसेस कम लो। मैंने ऐसे भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने सेक्शन ए में 40, सेक्शन बी में 17 20 सॉल्व कर दिए, फिर भी उनकी रैंक अंडर 1000 अंडर 500 आई है। तो ज़्यादा चांस मत लो, माइनस मार्किंग पे ज़्यादा फोकस करो, कि क्योंकि जो आता है उसी को अटेंड करो। ऐसा मत करो कि तुक्का मार दिया या फिर हो गया नहीं हुआ, तो फिर रैंक कम आती है तो फिर और 6 महीने वेट करो या फिर सेंटर बुरा मिल जाए राइट। तो तुम्हारा जो मतलब एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि सेक्शन ए स्कोरिंग पार्ट है, बच्चे अगर अच्छा प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छी रैंक आ सकती है? हाँ वही है, मैंने जब वो मतलब बुकलेट पूरा मैंने ध्यान से पढ़ा था तो उन्होंने बोला था कि सेक्शन ए ही रैंक डिसाइडर है, कि अगर सेक्शन बी में किसी का टाई होता है तो सेक्शन ए देखेंगे किसके ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो इसलिए। और सेक्शन ऐसा है कि हम बचपन से रीजनिंग ये एप्टीट्यूड बचपन से करते आ रहे हैं, तो वो तो हमें आना ही चाहिए ना। अगर सी में कोई कम मार्क्स लाता है तो अगर सेक्शन ए में उसका रैंक अच्छा आता है उसका ओवरऑल रैंक भी अच्छा ही आएगा ना सेक्शन ए की वजह से, इसीलिए तो सेक्शन ए तो करना ही चाहिए अच्छे से। ओके 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 ओके। तो अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। बीइंग अ नॉन आईटी क्या सोचा था कि यार मतलब सेक्शन बी का क्या, पहले तो ये बता दो माइंडसेट क्या था कि मतलब कैसे प्रिपेयर करेंगे या फिर होगा नहीं होगा? डर बहुत होता है बच्चों को यूजुअली, और स्पेशली नॉन आईटी वालों को, आईटी वालों को भी थोड़ा डर होता है वैसे तो, कि वो भी प्रोग्रामिंग देख के डर जाते हैं। तो फिर तुमको मतलब पहले माइंडसेट क्या था कि क्या कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर कहीं कुछ क्लास लगाई या फिर कुछ किया था, इसके बारे में कुछ बता दो। सबसे पहले मैंने जब मतलब ये अपना प्रिपरेशन चालू किया था तब मैंने वो कोड विथ हैरी वाले सब वीडियोस देखे थे, तब मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है क्यों है, मतलब वो थोड़ा बिगिनर वाला उन्होंने बोला था बट मेरे हिसाब से वो बिगिनर के लिए नहीं था। तो 2-4 बार वीडियोस देखे सी के, सी प्लस प्लस के, तो फिर बाद में मुझे थोड़ा मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो फिर बाद में मैंने जो एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करे तो तब भी मुझे बहुत सारे डाउट्स वगैरह आ रहे थे, फिर वो एमसीक्यू सॉल्व करते करते फिर किसी को पूछ के फिर मेरे वो बहुत सारे डाउट्स सॉल्व हो गए थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई नॉन आईटी वाला है तो उसने सनबीम के क्रिकेट के क्लासेस करने चाहिए। ओके ओके। तो उससे ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे राइट। हाँ, क्योंकि वो ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि सब किसी को मतलब कोई नॉलेज नहीं है, सब ऐसे एक लेवल पे रख के वो चलते हैं और बेसिक से सब पढ़ाते हैं, तो होता है कि वो सब पूरा बताते कि अगर क्वेश्चन आया ट्विस्टर वाला पॉइंटर वाला तो उसको कैसे सॉल्व करना है क्या करना है, तो उससे बहुत हेल्प होती है। ओके 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 ओके। तो ओवरऑल तुमको सेक्शन बी कैसे लगा था, मतलब ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या थी और तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सेक्शन बी में? मुझे तो मैंने तो पेपर हार्ड एक्सपेक्ट करके गई थी बट जब मैंने क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा कि थोड़ा मॉडरेट ही है, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े इजी इजी थे, मतलब बहुत ट्विस्टेड वगैरह नहीं थे पर थोड़े कंफ्यूजिंग थे, जो दो 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 ऑप्शन के बीच में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, आंसर पता था बट कंफ्यूजन हो रहा था। तो आंसर मतलब जो उन्होंने बोलते कि ट्विस्टर पूछते सी में 10-12,
तो वो भी बहुत इजी इजी लेवल के थे, बट वही कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन करने वाले थे। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पता था कि यहाँ पे कंफ्यूजन करेंगे लोग, क्योंकि वो उन्होंने माइक्रो वाले क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें बहुत बच्चे मतलब कंफ्यूज होते हैं और फिर बाद में गलत उत्तर मतलब आंसर लेके आते हैं। ओके ओके ओके। तो अभी उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हर मतलब उसमें 5 मॉड्यूल से 5 मॉड्यूल का अलग अलग बात करेंगे कि कैसे तुमने क्या प्रिपेयर किया था। ओके, तो सबसे पहले तो कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करते हैं कि तुमने कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या सोचा था, तो उसके बारे में बता दो कि कैसे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन से याद नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने प्रिपेयर कहाँ से किया था या फिर कोई कोई प्लेलिस्ट प्रेफर किया था। तो फिर मैंने YouTube पे बहुत सर्च करा था, बट YouTube पे ऐसे कोई मतलब वीडियोस थे, बट वो पूरा से इधर उधर का दिया था। जैसे मतलब सी कैट के जितना मतलब क्वेश्चन सी कैट में पूछे जाते हैं उसके ऊपर नहीं था कोई, तो मुझे पता था कि सी कैट में थोड़ा इतना नहीं पूछेंगे, सिर्फ बेसिक लेवल का पूछेंगे। तो फिर मैंने मतलब थोड़ा बहुत जो उस सर के वीडियोस देख के जितना भी समझ में आया था, उसके बाद फिर मैंने जो सनबीम की बुक होती है ब्लैक बुक की, आपके ही चैनल से मैंने वो बुक ली थी पीडीएफ, तो फिर मैंने उसको उससे पढ़ा था। और जो गीक्स फॉर गीक्स करके एक मतलब एक वेबसाइट है गूगल पे, उसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है हर मतलब टॉपिक का, तो फिर मैंने वहां से पढ़ पढ़ के आपको समझ वो सब कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करे थे। फिर बाकी फिर मैंने उसके फिर वो इंडिया बिक्स और सन फाउंड्री से मैंने वो सारे एमसीक्यू सॉल्व कर करके, फिर जो भी मेरे मन में डाउट आ रहे थे कि ये क्या है क्या नहीं, तो फिर वो सब सॉल्व हो गए थे। ओके ओके ओके। तो आपको मतलब बाकी गिक्स और गिक्स से पढ़ा था तुमने कंप्यूटर हाँ फंडामेंटल्स हाँ पे। हाँ ओके वहाँ ओके, तो उसमें पे मतलब उसमें नेटवर्किंग के क्वेश्चन आए थे कुछ। हाँ हमारे टाइम पे नेटवर्किंग में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अभी इसमें आगे बात करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ओएस के बारे में। तुमने कहाँ से पढ़ा था या फिर कौन सी प्लेलिस्ट? मैं तो रेकमेंड करता हूँ बच्चों को हमेशा कि गेट्स मैस्टर की एक ओएस की हाँ प्लेलिस्ट है, वो बहुत बड़ी है, लेकिन यू कैन गो विद द पॉइंट्स जो सिलेबस में दिए गए हैं, राइट? तो तुमने कहाँ से प्रिपेयर किया था या फिर कैसे किया था? मैंने तो पहले वो सनबीम के वीडियोस देखे थे, बट फिर भी मुझे मतलब फिर भी कंफर्मेशन मतलब इतना कंसेप्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ था, तो फिर मैंने गेट्स मैशर से ही पूरे मैंने वीडियोस वगैरह देखे थे। जब मैंने वो 2-3 बार वीडियोस देखे मेरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, तो फिर मैंने मेरे पास एक गैल्विन करके एक पीडीएफ थी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की है, तो मैंने गैल्विन पे अपने लैपटॉप में मैंने हाईलाइट करके रखा था जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पूरे पॉइंट है। तो फिर मैं बार बार उसे रिविजन करती थी, और जैसे मेरी रिविजन हो जाती थी फिर मैं गूगल पे जाके उसके ऊपर एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करती थी। अच्छा और अच्छा उसके लिए फिर मैंने जो ब्लैक बुक भी पढ़ी थी, उसके बाद फिर वो गीक्स और गीक्स में भी जो एमसीक्यूज वगैरह है वो भी मैंने सब सॉल्व करे थे। गाइज, ये सभी बुक्स थे मेरे, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम का हमारा ग्रुप था सिलेक्ट डिस्कशन का, वहाँ पर ये बुक्स अपलोड करने की वजह से ग्रुप बैन हो चुका है अभी के लिए, लेकिन दूसरा मैंने ग्रुप ओपन किया है, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो अभी ओके, ओएस की गैलविन की बुक अच्छी है, कोशिश करो कहीं से हाँ मिलती है तो आपकी बढ़िया बात है। ओके हाँ क्योंकि वो सनबीम के ब्लैक बुक में इतना डिटेल में दिया नहीं होता है, और हाँ कभी कभी हाँ वो पेपर में क्या ना डिटेल वाला सा अंदर वाला कंसेप्ट पूछ लेते हैं, तो गैल्विन में क्या है पूरा ऐसे क्लियर वाला दिया है कि पूरा कंसेप्ट पूरा ऐसा अंदर डिटेल्स में दिया है। तो एक बार अगर 2-3 बार भी आप डिटेल वाला पूरा पढ़ लो, फिर बाद में आप ऊपर ऊपर से भी रिविजन करते रहो, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो फिर। ओके ओके ओके। तो गाइज, आप अपने देख लिया कि ओएस का कैसे प्रिपरेशन किया था, और एमसीक्यू वगैरह वही मतलब इंडिया बिक्स, और हाँ तुमने मैंने कुछ पढ़ वही सब सन फाउंड्री वही वही से ओके किया। ओके। तो गाइज, इंडिया बिक्स, सन फाउंड्री, ऑल इंडिया एग्जाम, ऐसे 2-4 वेबसाइट है, आप बाकी देख सकते हो हमने वीडियोज में बहुत, मतलब आपको सोर्सेस तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्या चूज करना है आप देख सकते हो। और जैसे मैंने सुना है कि ओएस में एमसीक्यू मतलब प्रॉब्लम्स भी पूछे थे, तो तुम्हारे इसमें कोई आया था प्रॉब्लम, जैसे डेडलॉक हो या फिर सीमाफोन हो, कुछ याद आ रहा है? नहीं मुझे याद तो नहीं आ रहा है, बट मैं प्रिपेयर करके गई थी सेमाफोर पे, एक जो एमसीक्यू आता है कि क्या है वो एनपी वाला, मैं करके गई थी, बट शायद तो उन्होंने पूछा नहीं था। ओके ओके। मैंने मतलब तुमने 28 को स्लॉट में दिया था, मैंने 29 के स्लॉट में दिया था, तो उसमें मुझे एक आया था सीमा फोन के ऊपर एमसीक्यू। तो फिर आप देख सकते हो वो जो डेडलॉक और सीमा फोन है, इस पे आप लोग एक मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखो, कुछ इजी है, मतलब एक फॉर्मूला डालते ही आ जाता है आंसर। ओके, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपिक। हाँ बोलो बोलो, क्या? अगर आप गैल्विन पूरा कर ले तो आपको एमसीक्यू वगैरह वो सब आ जाता है, क्योंकि गैल्विन में पूरा वो डिटेल में देता है कि क्या है एनपी हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो डेडलॉक्स की मेथड्स वो सब सेमाफोर, फिर वो पेजिंग वो सब मैंने मतलब किया था यूट्यूब से गेट्स मैसेज से, तो वो मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया था।
वो पेजिंग पे भी पूछ सकते हैं कि कितना मतलब उनका वो रेट रहता है, वो हिट पेजिंग कौन राइट सा राइट, मतलब। पेज फॉल्ट और पेजिंग इस पे भी आया था क्वेश्चन राइट। ओके हाँ तो अभी बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल सेक्शन बी का, सी लैंग्वेज। कि सी लैंग्वेज क्या सी करना है, कैसे करना है, बहुत डर होता है नॉन आईटी स्टूडेंट्स के लिए, क्या मतलब होगा नहीं होगा, और बहुत सारे बच्चे तो छोड़ने का भी प्लान करते हैं। तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है कि छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, कर लेना चाहिए? तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक, कि कहाँ से प्रिपेयर पहले किया तुमने? ओके पहले जब मैंने स्टार्टिंग में मतलब सी देखा ना, तो मुझे भी लगा था कि सी छोड़ देती हूँ, फिर बाकी के सेक्शन कवर कर लूंगी। बट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मतलब हमारे टाइम पे तो डीसीएन भी मैं पूरा मतलब डीसीएन पे भी मैं पूरा बुक पढ़ के गई थी, बट उसमें से एक ही क्वेश्चन आया था। तो अगर मतलब अगर अगर कोई ऐसा बाकी तीन सेक्शन प्रिपेयर करके जाता है और सी नहीं करता है, और हो सकता है कि बाकी सेक्शन में से भी कम क्वेश्चन पूछे, और हो सकता है अगर सी डेक नहीं चाहा तो सी से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले, तो हो सकता है उनके रैंक में थोड़ा मतलब ये डिफरेंस आ जाए। इसीलिए सी को करना ही चाहिए। तो पहले पहले भी मेरा भी ऐसा होता था कि मैं ट्विस्टर मेरे से सॉल्व नहीं होते थे, गलत आंसर आते थे। बट वही मैं मतलब सनमिम के अगर वीडियोस करते हो आप पूरा, तो वो बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है क्या नहीं, अरे पॉइंटर, क्योंकि सबको ऐसा लगता है अरे पॉइंटर से थोड़ा हार्ड टॉपिक है, बट वो सनमिम मतलब ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको समझ में आ जाता है। तो फिर मैंने एक बार वीडियोज वगैरह किए थे, फिर मैंने यूट्यूब से नेसो एकेडमी में जो भी उनके वीडियो थे सी वाले वो भी सब देखे थे, और फिर बाद में आपके चैनल पे भी जो एमसीक्यूज वगैरह रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, सी सी प्लस प्लस, मैंने वो दो तीन बार मतलब वो वीडियोस मैंने देखे थे एमसीक्यू वाले। और जो एक यशवंत कानेटकर करके एक्सप्लोरिंग सी करके एक बुक है, वहाँ पे उन्होंने जब ट्विस्टर दिए पूरे, और ट्विस्टर के बाद में सॉल्यूशंस भी दिए, और सॉल्यूशन में उन्होंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या है क्यों है, तो वहां से मेरे मतलब मैक्सिमम 95% डाउट सॉल्व हो गए थे कि ये मतलब मुझे जो पॉइंटर्स में डाउट आ रहे थे। तो मैं मतलब मैंने ये शायद यूट्यूब से ही किसी का इंटरव्यू में देखा था कि उन्होंने बोला था कि एक्सप्लोरिंग सी करना है, तो वो अगर कर देते हो आप तो मतलब आपका पूरा मतलब आप बोल सकते हो कि आपका 80% आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं अपन सी कर सकते हैं। और फिर मेरे एक फ्रेंड ने टेस्ट योर सी स्किल्स करके एक यशवंत कानेटकर की एक बुक है, उसका भी पीडीएफ, उसमें भी मतलब ट्विस्टर के क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो बट उसके सॉल्यूशंस नहीं है, बट वो भी एक बुक अच्छी है, वहाँ पे भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको अगर बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं तो आप ये दो बुक्स सॉल्व कर सकते हो। बाकी बाकी आपके चैनल पे जो बच्चे डिस्कस करते थे बाद में जो क्वेश्चन वगैरह डालते थे, तो मैं उसको मतलब तुरंत अटेम्प्ट कर लेती कि क्या है, और मैं देखती थी कि बच्चे उसका क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि किसका डाउट क्या है क्या नहीं, तो आपके वहाँ पे भी बहुत सारे डाउट सब सॉल्व हो जाते हैं। और बाकी जो सनबीम के पीडीएफ थे उनके एमसीक्यू वाले, वो सब वो भी मैंने सॉल्व किए थे। और ओके बाकी तो मैंने सन फाउंड्री ये गीक्स और गीक्स वाले जो एमसीक्यू है वो भी सॉल्व किए थे। ओके ओके बहुत कुछ सॉल्व कर लिया तुमने सी लैंग्वेज के लिए। और सी लैंग्वेज के क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे स्लॉट में कितने, मतलब तुमको क्या लगता है कि कितने ये आए थे, स्निपेट्स कितने आए थे? अब मुझे तो 6-7 लगे थे आए हैं करके, बट उसमें से क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें पूरा का पूरा सी का दिया था, बट उन्होंने सिर्फ आउट के लिए सी आउट लिख के दिया था, तो ऐसा मतलब उसको बोल सकते हैं, पता नहीं सी सी वाला प्लस क्वेश्चन बोल प्लस सकते। सी प्लस प्लस तो जो जितने भी मतलब ये अपने उन्होंने ट्विस्टर डाले थे सी वाले, तो मुझे लगा था कि वो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट वाले ही थे। और जब तुम मैं मतलब मोस्टली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये आती है कि जब कोडिंग वो लोग सॉल्व करते हैं तो वो कोड देख के डर जाते हैं, तो उसके आगे बढ़ते ही नहीं है कि भाई करेंगे सॉल्व या नहीं करेंगे। तुमने उसको कैसे ओवरकम किया कि मतलब करके देखते या फिर प्रैक्टिस करके हुआ, कैसे किया था? मुझे भी मतलब ऐसा गारंटी नहीं था कि सी का जितने भी क्वेश्चन आएंगे पूरा होएंगे, क्योंकि वो ट्विस्टर का ऐसे होता है कि अपन थोड़ा गड़बड़ी में क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, कभी कभी थोड़ा इधर उधर का छूट जाता है, तो आंसर आउटपुट में थोड़ा गलत आ जाता है। तो मेरा भी क्वेश्चन पेपर में मतलब जब पेपर देने गई थी तो भी एक क्वेश्चन आया था, तो उसका आउटपुट मैंने 1 to 10 टिक कर दिया था, बट फिर बाद में जब मैंने रिपीट में क्वेश्चन देखा तो फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं इसका आउटपुट कुछ अलग आया है, तो वैसे ही अपन गड़बड़ी में कुछ चेक कर देते हैं। तो वही रहता है कि मेरा भी माइंडसेट यही था कि मतलब मुझे भी नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, बट फिर मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया ज्यादा, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ने लगा कि नहीं ये अपन कर सकते हैं। राइट राइट एग्जैक्टली मैं भी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि तुम जब भी कोडिंग देखो तो जब तक तुम उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तुम्हारा लॉजिक तभी लगने लगता है जब तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो फिर तुमको जब
लास्ट लास्ट में एंडिंग एंडिंग में जाओगे तो कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली आएगा कि यार प्रोग्रामिंग का फ्लो ऐसा है, ये करने से ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है मोस्टली। तो ओके, मतलब अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो तुम क्या बोलना चाहोगी, मतलब सी लैंग्वेज कर लो या मत करो? अगर नहीं, सी अगर अच्छा रैंक लाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि सी तो करनी ही चाहिए। वो अच्छा। अलग बात है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें 15 में से क्वेश्चन, बट सी लैंग्वेज तो करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको सी डैक करना है, आपको सी में थोड़ा नहीं आए तो ये तो थोड़ा। एग्जैक्टली। इवन इवन मेरा भी पॉइंट वही रहता है कि अगर तुम सीडैक करने जा रहे हो जहाँ पर पूरा कोडिंग ही सीखना है तुमको, और तुम्हारे सी क्लियर नहीं है या फिर सी छोड़ने का प्लान कर रहे हो, तो बहुत बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट को। यूजुअली कोर्स में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। वही मतलब सबने ऐसा बोल रखा है कि सीकैट में बहुत ऐसे हार्ड वाले ट्विस्टर आते हैं, बट मेरे हिसाब से जब मैंने ट्विस्टर देखे तो वो बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। मतलब ऐसा जिसको जिसके पूरा कंसेप्ट क्लियर है, जिसको पूरा पता है कि डिटेल में क्या कंसेप्ट है, उसको तो वो आने ही थे। बाकी जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, मुझे पता था कि वो कहाँ गलती करेगा क्या नहीं। एग्जैक्टली। वही होता है, अभी हर एक का डिपेंड करता है कि तुमने कितना पढ़ा है, उसके हिसाब से तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है या फिर इजी है। अगर ज्यादा पढ़ा है और आपने अभी जैसे नीता ने बताया कि उन्होंने सी के लिए क्या क्या रेफर किया था, अगर इतना कोई पढ़ के जाएगा तो उनके लिए तो सी इजी लगेगा, राइट? तो इसीलिए आप लोग भी अगर कर रहे हो प्रिपरेशन सीडैक का तो छोड़ो मत सी को, क्योंकि क्या होता है सी छोड़ोगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है कि सीडैक करो आगे जाए, क्योंकि कोर्स में तुमको हर चीज उसी के अराउंड ही करनी है, क्योंकि वही बेसिक है, मतलब फंडामेंटली वही है तुम्हारा, राइट? तो टाइम देना, अगर किसी के पास बहुत कम समय है, 15 दिन ही है, उसमें ही करना है प्रिपरेशन, तो तुम एक बार रिस्क ले सकते हो, बट डोंट टेक द रिस्क अगर आपके पास टाइम है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं ओप्स कंसेप्ट के बारे में। ओके, और सी के एम सी के वगैरह वही, मतलब सेंट फाउंड्री इंडिया बिग से सॉल्व किए थे, राइट? हाँ, उसे से किए थे, और ये जो पीडीएफ्स के मैंने नाम बताए वही हाँ से हाँ जो। ओके ओके ओके। तो उप्स कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या प्रिपरेशन किया था? C++ पढ़ लिया था पूरा या फिर सिर्फ उप्स के कंसेप्ट पढ़े थे? तो कहाँ से किया था हाँ, इसके बारे में बता दो। उतने ओके पढ़े ओके। थे, और फिर मैंने सनबीम की ब्लैक बुक से पढ़े थे। मतलब जो उतने जितने भी उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस वगैरह दिए थे, जो कंसेप्ट वो लिख के देते हैं बुक में, वही सब पढ़ा था। तो और C++ बाकी के कुछ स्निपेट्स आए थे एग्जाम में? C++ के तो हमारे मतलब हमारे टाइम पे C++ से बहुत कम क्वेश्चन आए थे। मेरे हिसाब से एक दो क्वेश्चन आए थे, बट बाकी बाकी ऐसा बोल रहे थे कि क्वेश्चन नहीं आए, बट मैंने दो तीन देखे थे। एक ला इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आया था कोई, तो भी मुझे याद तो नहीं है। और ये जो सी आउट वाला क्वेश्चन था, ये थोड़ा आया था, मतलब इसमें सी वाला भी था और C++ वाला भी था। तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा, तो लास्ट टाइम अगर मैंने जब देखा था, ये मार्च बैच थी, इससे पहले वाली जो बैच थी, तब उन्होंने सी के स्निपेट्स कम पूछ लिए थे और C++ के ज़्यादा पूछ लिए थे। तो आप लोग को रेडी तो रहना है दोनों के लिए। अगर आप 100% आपको करना ही है सीडैक अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो C++ भी अच्छा कर लेना, क्योंकि नहीं बोल सकती कि अगली बार किसके स्निपेट्स आ जाएंगे या फिर थ्योरी आ जाएगा। तो दोनों के लिए प्रिपेयर रहो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आया तो इसी पे प्रिपरेशन करना है, राइट? वही, अगर मतलब स्कोरिंग करना है तो सी भी करना पड़ेगा और C++ भी करना पड़ेगा। हम उन्होंने एग्जैक्टली। तो बोला था कि वो सी वाले भी क्वेश्चन 15 पूछेंगे, C++ वाले भी मतलब 10 क्वेश्चन पूछेंगे, बट हमारे टाइम पे तो दो दो क्वेश्चन आए थे। हालांकि मतलब मेरे आपसे एक दो क्वेश्चन आए थे, तो अगर कोई मतलब सी भी नहीं करके गया है तो, और तो C++ भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो फिर मतलब उसका तो मतलब रैंक तो जाना कम ही आ नहीं जाएगा, चाहिए। राइट राइट एग्जैक्टली। तो अभी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का कैसे प्रिपेयर किया था और क्या प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी। मैंने कोड्स तो वो पूछते ही नहीं है यूजली, तो फिर मैंने कोड वगैरह सब किए ही नहीं थे। जो बोलते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने वो टेबल पूरा मैं बार बार उसका रिवीजन करती थी। और बाद में जो एक सी डेटा स्ट्रक्चर के लिए मैंने एक बुक यूज करी थी, उसका पीडीएफ का मुझे नाम तो याद नहीं है, बट मैंने उस पीडीएफ में जो सब दिए थे उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो मैंने एक बार वो हाईलाइट करके उसको मैं बार बार पढ़ती थी। क्योंकि मतलब सोचने अपन मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो क्या पूछेंगे कभी, तो फिर मैंने वही डेटा स्ट्रक्चर में वही सब बबल सॉर्ट, वो उनके सॉर्ट के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है क्या नहीं, वो सब तो पढ़ती ट्री रहती थी। ट्री ट्री ग्राफ तक पढ़ी थी या ट्री के क्वेश्चंस आए थे कुछ या फिर ग्राफ के? ग्राफ पे कोई क्वेश्चन मुझे याद तो नहीं है, बट हाँ मतलब एक मर्ज सॉर्ट पे कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, और एक पे कोई शायद क्यू पे कोई क्वेश्चन था, उन्होंने सब बोला था कि कुछ तो भी एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है, बट ऐसे दो तीन क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे ऐसे। गाइस, और
मैंने जो स्लॉट में एग्जाम दिया था डीएस के, मुझे ट्री के 5 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मैं हमेशा एग्जाम इसीलिए देने जाता हूँ कि मुझे एनालिसिस करने होता है कि पेपर में किस टाइप के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो मेरे पेपर में तो मेरा मतलब सेकेंड स्लॉट में था, 29 को लास्ट स्लॉट, तो उसमें तो मुझे ट्री के ज़्यादा दिखे थे। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ग्राफ वगैरह करने की प्रिपरेशन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। ट्री तक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्री तक क्वेश्चन आते हैं मैंने जहाँ तक देखा है। हाँ हमारे, अब मुझे अभी याद आया कि हमारे क्वेश्चन बैच में भी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें एक फॉर्मूला रहता है कि कितना, मतलब उसको नोट्स रहते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो वो 4 फॉर्मूले दिए थे, तो वो उन्होंने इतने सिमिलर फॉर्मूले दिए थे कि मतलब अगर जिसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि यही उसका फॉर्मूला है तो वो ठीक है, उसको पॉजिटिव था। मेरा भी शायद वो निगेटिव रहा होगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा उसमें 2-3 ऑप्शन में कंफ्यूजन था। अच्छा, तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए तुमने सिर्फ मतलब सनबीम का जो कोर्स किया हाँ था, मैंने उसी में सबमिट किया यूट्यूब था। का चैनल, राइट? यूट्यूब का हाँ चैनल कोई रेफर किया था उसके लिए? मैंने, हाँ मैंने आपके चैनल पे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पे जितने भी एमसीक्यू थे मैंने वो देखे थे बार बार, और मैं अच्छा। यूट्यूब पे ऐसे टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करके जितने भी एमसीक्यू वगैरह दिख रहे थे मैंने सारे कर लिए थे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे अभी ओवरऑल, हम लोगों ने तो प्रिपरेशन के बारे में बात कर लिया गाइस, सेक्शन ए सेक्शन बी का प्रिपरेशन कैसे था, स्ट्रैटेजी, और क्या मतलब नीता ने कैसे प्रिपेयर किया था, क्या सोर्सेज यूज किए थे। तो आप लोग देख सकते हो वीडियो में पूरा कि उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं कुछ मतलब जनरल क्वेश्चंस के बारे में, कि कितना टाइम लगा है, तुम कब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और कब तक तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया था, और यूजुअली कितना टाइम लगना चाहिए अगर कोई बंदा प्रिपेयर कर रहा है जीरो से, तो उनको कितना टाइम लग सकता है, तो कितना महीने डेडिकेटेडली पढ़ना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? मैंने तो 3-4 महीने पहले स्टार्ट किया था, मतलब मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, मुझे सी का कोई नॉलेज नहीं था, तो मुझे तो पहले बहुत, मतलब बहुत दिन मुझे सी के कंसेप्ट क्लियर करने में ही लगा, क्योंकि बार बार मैं, मतलब थोड़ा थोड़ा बार बार मैं डाउट निकल के आता था कि ये क्यों है, तो फिर जब भी मुझे डाउट आता था मैं फटाक से वो वीडियो देख के कंसेप्ट क्लियर कर लेती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 महीने अगर आप नॉन आईटी से हो तो आपके लिए बहुत है, क्योंकि 3-4 महीने में आपको कंसेप्ट भी क्लियर करने होते हैं, फिर नंबर ऑफ एमसीक्यू भी सॉल्व करने होते हैं, तो आपको 3-4 महीने में आप अगर अच्छी रैंक लानी है तो आप अच्छे से, मतलब पूरा पढ़ के पीडीएफ आपको जितने रेफरेंस बुक वगैरह कर सकते हो। अच्छा, मतलब ऑन एन एवरेज अगर तुम 3 साढ़े 3 महीने पढ़ लोगे तो हो जाएगा हाँ आराम से, हो राइट? जाएंगे, और अगर कोई आईटी से बिलोंग करता है उनको और कम टाइम लगेगा। क्योंकि तो उनका, मतलब उनको कोडिंग्स वगैरह आती है ऑलरेडी, तो उनके लिए तो ओके, हाँ राइट राइट एग्जैक्टली। और कितना मतलब तुम्हें क्या लगता है कितना टफ है, कोई नॉन आईटी का बंदा है उसको अगर सीकैट क्रैक करना है, अंडर 500 रैंक लानी है तुम्हारे जैसे, तो कितना टफ है, बहुत टफ है या फिर नहीं इतना भी नहीं है, तुम थोड़ा सा मेहनत करोगे 2 3 महीने तो हो जाएगा, तो क्या लगता है तुमको? मतलब मैंने तो यही सुना था कि टफ है करके, बट जब फिर मैंने दिया, प्रिपरेशन किया, तो फिर मुझे लगा कि जितना, मतलब उसको, मतलब हवा उड़ाई जा रही है कि ये इतना टफ है, उतना तो ये नहीं था, क्योंकि अगर आप, मतलब पूरा कंसेप्ट वीडियोस वगैरह देख के आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होते हैं, आप रेफरेंस बुक वगैरह पढ़ते हो, तो आप इजीली एक अच्छा स्कोर 500 के आसपास या 1000 के आसपास लेके आ सकते हो। ओके ओके ओके। तो मतलब हाँ, मतलब तुम्हारा ये कहना है कि अगर तुम अच्छा पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल है। जैसे मैं भी हमेशा वही बोलता हूँ कि तुम लोग एपटीबी कर रहे हो तो बैंकिंग लेवल की मत करो, और अगर तुम सेक्शन बी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट लेवल की मत करो, क्योंकि वो इतना नहीं होता है कि गेट लेवल जैसे पूछ लिया तुमको 4 फॉर्मूले लगा के कुछ निकालना है, तो मतलब मॉडरेट लेवल ही होता है। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, तो आ जाएगा, राइट? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ के जाते हैं या फिर उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, फिर जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो उनको वो, मतलब क्वेश्चन नहीं आते तो उनको लगता है कि वो क्वेश्चन हार्ड था, तो हाँ इसलिए फिर बाहर हाँ आके स्टूडेंट यही बोलते हैं कि पेपर हार्ड था, पेपर हार्ड था, तो वो हाँ फिर यही हो हाँ जाता है कि पेपर हार्ड था। राइट राइट असल राइट में भी एग्जैक्टली पेपर इजी रहता है, बट वो जिनको आता है उनके लिए इजी रहता है। एग्जैक्टली, मेरा भी पॉइंट वही रहता है, क्योंकि मुझे लगभग सिलेबस पता है, पॉइंट्स पता है, तो मैं वहां जाके अंदाजा लगा सकता हूँ कि किस लेवल का क्वेश्चन है। तो फिर मुझे भी वही लगता है कि मतलब इजी तो मतलब मॉडरेट ही था, कि इतना तो टफ नहीं था। अगर जो पढ़ते अभी डिपेंड करता है, मैंने जैसे बोला कि तुमने कितना पढ़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे लिए पेपर कौन से लेवल का, राइट? ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसको मतलब सनबीम का प्रीकेट कोर्स ले लेना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहिए, इवन अगर उनके पास 3 महीने टाइम है तो? मेरे हिसाब से तो उन्होंने सनबीम का प्रीकेट कोर्स लेना ही चाहिए, क्योंकि वो, मतलब जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि सनबीम ओरिएंटेड पढ़ाता है,
अगर आप कोई YouTube से करता है तो YouTube पे कैसा देता है कि वो पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, मतलब कोई उनके मतलब पूरा जो सी है तो पूरा का पूरा पढ़ाते हैं। सनबीम में कैसा, वो जितने भी एग्जाम में जितने टॉपिक्स आ रहे हैं सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं, तो आपका उसे टाइम भी सेव होता है। और सनबीम में वो पूरा ऐसे मतलब उनको वो मैंने जैसे बोला था कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी बताते हैं। और वो मैंने वही से मतलब मुझे वही से पता चला था कि सीके ट्विस्टर आते हैं, ट्विस्टर को कैसे सॉल्व करना है। बाकी उन्होंने बोला था कि डेटा स्ट्रक्चर में वो पूरा कोड वगैरह नहीं पूछेंगे, सिर्फ वो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वैसे वाले क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब, और ऊपर से अगर प्रीकेट कोर्स, मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि कर लो, क्योंकि एक डिसिप्लिन हाँ मैनर में तुम पढ़ते हो कि डेली पढ़ा रहे तो उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं हाँ तो क्या सेल्फ स्टडी करने बैठे तो फिर नॉर्मली वो भी ह्यूमन होता है कि प्रोक्रेस्टिनेट करता है ऐसे। सेल्फ स्टडी रहता तो अपन मतलब इतना सीरियसली नहीं रहते, और वो उनका क्लास रेगुलरली रहता तो वो रेगुलरली पढ़ाते तो रेगुलरली पढ़ाई हो जाती है। और हाँ अगर हाँ सी डैक करना है तो मतलब थोड़ा बेसिक नॉलेज तो चाहिए ना, तो उसके लिए मुझे लगता है कि सी कैट कर लेनी चाहिए, मतलब राइट ये राइट सी राइट कैट का प्री कोर्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, तो मुझे ये समझा दो कि यार एमसीक्यू सॉल्विंग करना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर तुम कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो और उसके बाद अगर एमसीक्यू उस पर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो फिर कितना प्रॉब्लम आ जाता है कि एमसीक्यू सॉल्व करना कितना इम्पोर्टेंट है, और तुमने कितने सॉल्व किए थे लगभग, मतलब ओवरऑल ऐसा देखा जाए तो, इसके बारे में कुछ बता दो। अगर हम मतलब मेरे हिसाब से जब मैं मतलब कंसेप्ट पूरा पढ़ती थी मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे आ जाएगा, आता है करके, पर जैसे ही एमसीक्यू सॉल्व करने लेते थे तो उस टाइम फिर मतलब ध्यान में आता था कि अरे हमको तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, मतलब दो दो तीन ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है। तो इसीलिए फिर एमसीक्यू सॉल्व करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फिर आपको आपके डाउट्स भी सॉल्व होते हैं कि मतलब आप पढ़ते हो, फिर बाद में आप अगर एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपको मतलब पूरा आपको कंफर्मेशन आ जाता है कि इसका आंसर अगर आया तो क्या हो सकता है क्या नहीं। आप डायरेक्टली अगर मतलब एमसीक्यू सॉल्व करके बिना ही चले गए तो आप वहाँ पे पेपर में आपको पूरा का पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने तो मतलब एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, बट मैंने जितने मतलब जितने भी वेबसाइट्स है गूगल पे और कोई मतलब वहाँ पे कोई वेबसाइट थी सीडैक प्रिपरेशन, उनका कोई फ्री का मॉक भी रहता था, उनके भी मैंने मॉक्स दो तीन जो फ्री वाले थे वो भी सॉल्व किए थे। और बाकी आपके ग्रुप वाले जो पीडीएफ थे, प्रीवियस ईयर वाले जो पेपर्स थे, मैंने वो सब सब पूरा सॉल्व कर लिया था। अच्छा, मतलब ये ध्यान रखो गाइज, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ कि डोंट टेक लाइटली कि तुम एमसीक्यू सॉल्व मत करो, क्योंकि क्या होता है कंसेप्ट क्लियर हो जाता है माइंड में कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, क्लियर है तुमको, लेकिन अगर उसी टाइप का क्वेश्चन आता है तभी तुम सॉल्व कर सकते हो, अगर थोड़ा सा ट्विस्टेड पूछ लिया तो तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटर कि कोई भी कंसेप्चुअल क्लियरिटी अगर आ गई आपके, कोई भी कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद ट्राई करो कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, ताकि तुम्हारे और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। राइट हमारे टाइम पे तो उन्होंने एसोसिएटिविटी पे एक मतलब क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब उनका थियोरेटिकल क्वेश्चन था एसोसिएटिविटी पे कि एवरी एसोसिएटिविटी हैज अ प्रायोरिटी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो मोस्टली एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, बट उन्होंने पूछ लिया था, तो इसीलिए उसके बारे में भी अगर आप मतलब एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपको क्लैरिटी आ जाती है कि क्या है क्या नहीं। अच्छा, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं कि क्या माइंडसेट होना चाहिए सीकैट के प्रिपरेशन जब कर रहे हो, तो कोई भी, मतलब तुम अगर इन जनरल कोई भी टिप देना चाहते हो जो नेक्स्ट टाइम सीकैट दे रहे हैं या फिर ये वीडियो जो देख रहे हैं जो नेक्स्ट टाइम देंगे एग्जाम, तो उनके लिए कोई भी टिप्स आप देना चाहो कि मतलब क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कुछ भी टिप आपकी तरफ से जो भी रहेगा। सबसे पहले तो सीडा का सिलेबस पहले देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या है क्या नहीं, और पूरी मेरे हिसाब से तो पूरी रिसर्च करनी चाहिए यूट्यूब पे कि मतलब प्रीवियस ईयर के जो मतलब इंटरव्यूज रहते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहते हैं। उससे मैंने भी वही देखे थे और मैंने देखा था कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मतलब बाकी लोगों की रहती है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स पे मतलब ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और बाकी बाकी तो यही माइंडसेट रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही सॉल्व करने चाहिए। निगेटिव मतलब अगर आपको 50-50 अगर कोई क्वेश्चन में 50-50 चांस है तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तो अगर ज्यादा निगेटिव हो गए तो जैसे मैंने बोला था कि अगर एक एक दो भी निगेटिव चले गए तो 100 तक का भी डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उस रैंक में कोई और बच्चा आपके आगे चले जाए। ओके, मतलब माइनस मार्किंग तो नहीं जाना है कुछ भी करो। हाँ नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्वेश्चन कम करो बट मतलब इतने भी कम मत करो कि कट ऑफ भी क्लियर ना हो, बट मतलब इतने क्वेश्चन करो कि मतलब आपका रैंक भी अच्छा आए और निगेटिव तो मतलब हो ना। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
क्योंकि मैंने जब तक मतलब 30-34 क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो मुझे लगा नहीं था कि मतलब इतनी अच्छी रैंक आएगी, बट हो सकता है कि मेरे ज्यादा निगेटिव नहीं आए इसलिए फिर मेरे वो वाले मार्क्स अच्छे चले गए। ओके. और क्या माइंडसेट होना चाहिए, लाइक कितना आवर तुम लोग अगर डेली पढ़ोगे तो हो जाएगा, मतलब कितना हाँ आवर डेली तो सीखना. कंसिस्टेंसी तो चाहिए इसमें, क्योंकि अगर आप मतलब अगर सी का ऐसा है कि आप जैसे मतलब वीडियोस देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो वही के वही आप नोट्स निकाल मतलब लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सी में कैसा बारीक बारीक कंसेप्ट है, पॉइंटर में, अरे में, मतलब कोई भी असोसिएटिविटी भी है, तो अगर आप पॉइंटर मतलब नोट्स वगैरह नहीं निकालते तो बाद में आप भूल जाएंगे कि ये क्या था, फिर बाद में आपको फिर से कई क्या होता है कि ये क्रिकेट के कोर्स में ऑनलाइन 7 डेज तक ही उनका कुछ रहता है, फिर बाद में वो वीडियोस चले जाता है, तो फिर अगर आप नोट्स नहीं निकालते तो फिर बाद में आपके पास सोर्सेज भी नहीं है, और बुक्स में इतना डिटेल में भी नहीं देते वो कि क्या है क्या नहीं, तो नोट्स निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब अगर सी के लिए स्पेशली। और फिर बाकी जो मेरे हिसाब से तो रेफरेंस बुक तो यूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो मतलब अगर आपको कोई चांस लेना ही नहीं है तो फिर आपको रेफरेंस बुक रेफर करनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो वो सॉल्व करके आपको एक आइडिया आ जाता है कि क्या है क्या नहीं। ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लगभग ये लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा. अगर कोई सोच रहा है कि कोई मॉडल को छोड़ देना चाहिए, तो तुमको क्या लगता है कि छोड़ना चाहिए कोई मॉडल या फिर सब कर लेना चाहिए? वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं छोड़ना चाहिए, बट अगर किसी को मतलब सी जम ही नहीं रहा है तो हो सकता है कि मतलब अगर उसने बाकी जो कंसेप्ट है उस पे ज्यादा फोकस किया और वो पूरा का पूरा कवर कर लिया तो हो सकता है कि उसकी अच्छी रैंक आए, क्योंकि अगर अपन कंसिडर भी करें सी के 15 मार्क्स के क्वेश्चन अपन मतलब 15 क्वेश्चन अगर नहीं किए तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें अपन कर सकते हैं कि अगर 35 क्वेश्चन है उसमें से 30 भी कर लिए तो भी अच्छा रैंक आ जाता है, बट मेरे हिसाब से तो मतलब करनी ही चाहिए नहीं सी, छोड़ना चाहिए. नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी मॉडल नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो ए हो या बी हो, मतलब ए सेक्शन हो या बी सेक्शन हो, हर एक मतलब हर एक मॉड्यूल को करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक को कितना वेटेज है, उसके हिसाब से आप अगर आप करो तो फिर आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमने लगभग तो सब क्वेश्चंस कवर कर लिया है. एंड फर्स्टली थैंक यू कि तुमने आने के लिए ये किया कि यहाँ पर आके शेयर करना चाहिए अपना एक्सपीरियंस. तो गाइज, ये वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे. अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूएबल मिला है स्ट्रेटेजी के बारे में, और आपके कुछ अगर डाउट्स आते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. मैं या फिर नीता कोई भी आपको रिप्लाई कर देगा रिगार्डिंग सीकैट का प्रिपरेशन. और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो. बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो हम नियर टू 20K है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू नीता. कुछ बोलना थैंक यू सर, चाहोगे और एंड में? मैं तो यही बोलना चाहूंगी सर कि मैंने तो मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपका ही चैनल आया था तो फिर मैंने आपके ही चैनल से, तो बोल सकते हैं कि आपका भी मेरे सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अच्छा मैंने आपके चैनल से ही मैंने देखे थे इंटरव्यूज बाकी स्टूडेंट के, फिर मैंने वो एमसीक्यूज वगैरह वो देखे थे सब, और आपका ही वो चैनल था जहाँ से मैंने बहुत सारे मैक्सिमम पीडीएफ वहीं से उठाए थे, अच्छा और अच्छा मैंने वहीं से हाँ वहीं से प्रिपेयर किया था, मतलब वही मैं पढ़ती थी फिर उसी से मैंने रिविजन किया, तो आपको भी थैंक यू। बाय ओके ओके ओके. तो चलो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.